आरजे वर्मा ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आपका नाम? वैशाली है सर मेरा नाम। अच्छा। और ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। हाँ जी। महिलाओं पर अपराध रुक नहीं रहे हैं, ऐसे में अपने ही अगर असहनीय पीड़ा देने लगे तो उनका काम है दिल्ली। अपनी ही सगी बहन से पीड़ित एक महिला दिल्ली दरियागंज से आज मेरठ एसएसपी ऑफिस में पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। मेरे घर की बहन चाबी है, इसके चाबी मांगने पे उसके पति और मेरी बहन भाई के साथ मारपीट करने लगी, जिसमें भाई ने मेरे पास फ़ोन करा जबकि मैं मेरठ आई हुई थी। मैं 8 साल बाद मेरे कुछ था तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा रेस्ट करो, तो मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ जो आर्य नगर मेरठ सूरजकुंड में रहती है मैं रेस्ट करने वहाँ आई थी। भाई के फ़ोन पे हम दोनों बहन आ गए, बेगमपुल पहुँचे। बेगमपुल पहुँचने के बाद मेरी बहन रूपाली और उसके पति आशीष, उन्होंने फिर से मेरे भी साथ मारपीट करी और मेरी बहन ने धक्का दिया जिससे मैं नीचे गिर गई, जबकि वो जानती थी कि मैं 2 महीने की प्रेगनेंट हूँ। जब आप थाने गए तो थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपसे? सर मैं थाने में इस कंडीशन में नहीं थी क्योंकि मेरे दर्द होने लगा, उसमें ही मेरे पति मुझे दिल्ली ले गए क्योंकि मेरा इलाज दिल्ली से चल रहा था। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा जिसमें बच्चे की धड़कन ख़त्म पाई गई, उन्होंने कहा कि ये बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका है जी। इसमें कंडीशन में नहीं थी, कॉपी लग रही है डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड की, मैं इस कंडीशन में ही नहीं थी कि मेरठ आके मैं ये सब थाना पुलिस कर सकूँ।